نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدرسہ ڈسکورس کا سب سے زیادہ فائدہ تو اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نعرہ تکبیر کے بجائے تالیاں سننے کو مل رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں کی تسبیح ہے بالکل میرے لیے بے انتہا خوشی کا موقع ہے کہ اس قدر ایک خوبصورت محفل میں کہ جس میں ہمارے بہت ہی قابل قدر علماء کرام دینی مدارس سے متعلق حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب حضرت مولانا مفتی محمد زاہد صاحب ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں جناب ثاقب اکبر صاحب پھر جامعات سے متعلق جناب ڈاکٹر ادریس آزاد صاحب اور متعدد جو ان کے ساتھ منسلک ہیں اور دونوں کا ایک امتزاج جناب ڈاکٹر خالد مسعود صاحب کی صورت میں عمار ناصر صاحب جیسے بہت ہی ایک معتدل نوجوان اس کی نظامت اور اس پورے پروگرام کے منتظم ہیں تو بے انتہا خوشی کی بات ہے اور سچی بات یہ ہے کہ میں بنیادی طور پہ اپنے حوالے سے اپنے آپ کو ایک خوشبین اور ہوپ امید والا انسان سمجھتا ہوں لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے میں مایوسی کی طرف اپنے آپ کو جانے والا محسوس کر رہا ہوں کیونکہ جس طریقے سے ڈسکورس ہمارے نوجوانوں میں ہمارے جامعات میں یونیورسٹیوں میں اور مدارس میں نئی شکل اختیار کر چکا ہے وہ یقیناً فکری بانجھ پن کی غمازی کرتا ہے اور پھر مجھ جیسا انسان یقیناً مایوسی کی طرف جاتا ہے لیکن کل جو گفتگو مدرسہ ڈسکورسز کے جو خریج ہیں جو منسلک ہیں ان کے ساتھ ہمارے نوجوان ان سے ایک بار پھر مجھے بہت زیادہ امیدیں پیدا ہو گئی ہیں کہ ایک بہت خوبصورت گروپ جو ہے وہ تشکیل پا رہا ہے اور کچھ نوجوانوں نے یہ کہا کہ جی یہ تو ایک پروجیکٹ تھا تو پروجیکٹ کی زندگی مختصر ہوتی ہے تو ایسی بات نہیں ہے مسلسل اور تسلسل جو ہے یہ تو کسی چیز کو حاصل نہیں ہے ایسے لوگ کہ جنہوں نے ہمیں کرٹیکل تھنکنگ دی وہ وفات پا گئے لیکن انہوں نے جو بیج بویا تھا وہ تناور درخت بنا اور پھر مسلسل اور درخت بنتے گئے اور ایک جنگل بنتا گیا تو یہ 100 لوگ جو ہیں یقیناً پروجیکٹ ختم بھی ہو جائے لیکن ان کے اندر جو ایک ذہنی تبدیلی آئی ہے رویوں کی جو تبدیلی آئی ہے سوچ کی جو تبدیلی آئی ہے اور یقیناً بیانیے کی نیریٹو کی جو تبدیلی آئی ہے
इससे फिर ये बात और आगे जाएगी और इंशाल्लाह इस तरीके से एक आइलैंड, एक जजीरा बनता जाएगा, जो उमूमी जो सूरत हाल है उससे यकीनन ये मुख्तलिफ होगा। मदरसा की तारीख अगर हम देखें तो वो तो बहुत ही ताबनाक है, और इब्तदाई मदरसा जो है, इब्तदाई मदरसा तो क्रिटिकल थिंकिंग की असास पर रहा है, और यही वजह है कि जिस चीज़ को हम इख्तिलाफ कहते हैं, ग्रुपबंदियां कहते हैं, वही दरअसल क्रिटिकल थिंकिंग का नतीजा था। इब्तिदा में खवारिज पैदा हुए, मौतज़िला आए, जबरिया आए, कदरिया आए, तो उनकी असास सोच पे थी, उनकी असास तनव्वो पे थी, उनका आप नुक्ता नज़र था। वक्त के साथ साथ जब दलील की कुव्वत जिस सोच के साथ थी, वही कुव्वत जो थी वो फिर आगे आती गई। मौतज़िला के अंदर एक बहुत बड़ी कुव्वत थी, तो एक शक्ल में मौतज़िला थे, लेकिन मौतज़िला अब तक जारी हैं नियो मौतज़िलाइट्स की सूरत में। तो इसका ये मतलब नहीं कि जो सोच होती है वो न्यू वेरिएंट्स जिस तरह बनते हैं, तो न्यू वेरिएंट्स की सूरत में ये चीज़ें जो हैं हमारे पास आती हैं, और ये माशरती तसलसल है। खवारिज वो ख़त्म हो गए जो शिद्दत पसंद थे, लेकिन अब उमान और मस्कत में पूरा आबाजी फ़िक्ह जो है वो नाफिजुल अमल है, और ट्रांसफॉर्म सूरत में वो आ गया है, यानी इन्होंने ज़मीनी हकीकतों के साथ समझौता करके और अपने लिए रीअलाइनमेंट कर ली है। तो यही हमेशा तरीका होता है रीअलाइनमेंट का, और ये एक चैलेंज होता है ज़मीनी हकीकतों का और फ़िक्र का और सोच का। तो ये इसी तरीके से मुआशरा जो है और दुनिया जो है वो चलती है, बशर्ते के कोई ताकतवर ग्रुप आके ज़बरदस्ती क्रिटिकल थिंकिंग को रोकने की कोशिश ना करे और ज़बरदस्ती सोच का धारा जो है वो दूसरी तरफ मुंतकिल करने की कोशिश ना करे। हमारे सामने जैद बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, तो उनका काम अगर देखें और उनके कुछ अख़वाल देखें तो वो इसी काम की तरफ इशारा करते हैं कि जो काम मदरसा डिस्कोर्स का है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तरफ मंसूब है कि आप ये फरमाया करते थे कि जो मेरी सोच है वो मेरे नज़दीक सही है, लेकिन इसमें ख़ता का एहतमाल है। आपकी जो सोच है वो मेरे नज़दीक सही नहीं है, लेकिन इसमें इम्कान है कि सही हो। इमाम मोहम्मद, इमाम ज़ुफ़र, इमाम अबू यूसुफ, ये सब ऐसे इनके शागिर्द थे, हज़ारों शागिर्द यकीनन होंगे, लेकिन ये शागिर्द ऐसे थे कि जिनके मजमूई अक़वाल से फ़िक्र हनफ़ी बनी। फ़िक्र हनफ़ी सिर्फ इमाम अबू हनीफा की सोच नहीं है, बल्कि ये एक कंपेंडियम है, एक मजमूआ है इन तमाम उनके शागिर्दों की आरा का और दलाइल के नतीजे में, और फिर फ़िक्र के अंदर रुजू साबित है। इमाम अबू हनीफा ने भी रुजू फरमाया, इमाम मोहम्मद ने भी, शेखैन साहिबैन की इस्तिलाहात हमारे पास, तो रुजू साबित है। इसका ये मतलब ये है कि वहाँ यकीनन डिस्कोर्स था, और उस डिस्कोर्स के नतीजे में फिर ये पूरा रिवायती ज़खीरा हमारे पास आया है। फिर आखिरी अदवार में हमारे पास सर सैद अहमद ख़ान और इस किस्म के लोग आए यकीनन, लेकिन हम मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? एक ऐसे इंसान के चूंकि उनकी एक्सपोजर हुई, तो उस एक्सपोजर के नतीजे में यहाँ जब इंडिया में आए और वहाँ उन्होंने अनफोल्डिंग नई सूरत हाल को देखा, तो अनफोल्डिंग नई सूरत हाल में वो बहुत बेकरार हो गए, वो बहुत उन पर एक अजीब किस्म की कैफियत तारी हो गई, टू द एक्सटेंड के लोगों ने उसे कहा कि ये दीवाना हो गया है, इसलिए कि वो जब ज़मीनी यहाँ की सूरत हाल को देखता था और वो उस तूफ़ान और सैलाब को देख रहा था, तो फिर उनके और उन्होंने चीज़ें कुछ जो आखिरी अदवार में सजेस्ट की वो ऐसी थी कि वो लोग उनको हज़म नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कि वो उनकी एक्सपोजर नहीं थी। सिंध सागर पार्टी, सर्वराज्य पार्टी,
मैं आपने यही कहा कि ये कमीज सलवार जो है ये मेहनत का लिबास नहीं है, इसके अंदर आप इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते, इसके अंदर आप खेतों में काम नहीं कर सकते। आपने ये फरमाया कि पगड़ी जो है बहुत भारी, ये आपके जहनी आसाब पर असरअंदाज होती है, सख्त गर्मी में अगर बहुत भारी पगड़ी है तो आप हेड की तरफ आ जाएं, आप ज़मीनों पे जब आप काम करते हैं धूप की वजह से तो बड़ी हिफाजत जो है वो ये हेड है अंग्रेज़ों का, उसकी वजह से धूप से हिफाजत भी होगी, उसका वज़न भी कम होगा। तो ये चीज़ें उस वक्त लोग नहीं मान रहे थे, और लेकिन आपने दुनिया को देखा था और दुनिया के अंदर सनती इनकलाब को देखा था, सियासी हकीकतों को देखा था, तो वो लोगों के सामने पेश किया। जामियात के अंदर मौलाना आज़ाद अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह की जो 1949 की तकरीर है, मैं समझता हूँ कि 1949 की वो तकरीर जो मदारिस के बारे में थी वो भी किसी मौके पे, मदारिस डिस्कोर्स बेशक प्रोजेक्ट है ख़त्म हो गया, लेकिन आपने आगे बढ़ के इसकी नई शक्ल किसी न किसी हवाले से आती जाएगी, वो तकरीर लाजमन इसका हिस्सा हो कि उन्होंने किस तरीके से इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को बयान किया कि इब्तिदाअन मदारिस के अंदर मुहाजरात हुआ करते थे, उन मुहाजरात ने पैदा किया ऐसे लोगों को कि जिनके अफकार आज हमारे लिए मशले रहा है। लेकिन जब मुहाजरात की जगह मदरसा बुक सेंट्रिक हो गया, उसका महवर किताब बन गया, तो फिर उनके बकौल इल्मी लिहाज से मदरसा के अंदर डिक्लाइन की इब्तिदा हुई। अब हमारे यहाँ ये है कि मदारिस का पूरा निज़ाम जो है ये बे इंतहा बुक सेंट्रिक है, इसके अंदर मुहाजरात का सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया है। तो ये मतून का जो सिलसिला है, यकीनन मैं समझता हूँ कि इमाम इब्ने खल्दून का मुकदमा, उसके कुछ अबवाब भी अगर मतनन हमारे मदारिस के अंदर हों या हम पढ़ें, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि एक ज़हनी कैफियत जो है ये यकीनन तब्दील हो, कौमों के उरूज व ज़वाल के बारे में जिस तरीके से आपने फरमाया, वो भी अगर हम मतन के साथ अपने नौजवानों को बताएं, तो यकीनन ये जो इस वक्त बैनुल अक़वामी सूरत हाल की तफहीम है, ये बहुत बेहतर अंदाज में हम समझने की पोजीशन में होंगे। तो ये यकीनन प्रोजेक्ट तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस प्रोजेक्ट के असरात जो हैं ये ख़त्म नहीं होंगे, ये जारी रहेंगे। और मुझे कल बताया गया कि हुसनुल अमीन साहब की यह ख्वाहिश थी कि वो अपने इंस्टीट्यूट ऑफ IRD इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसको अपडेट करके एक नई शक्ल में इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी सोच है। और मदरसा डिस्कोर्स के साथ साथ जिसकी ज़रूरत है वो यूनिवर्सिटी डिस्कोर्स है, फैकल्टी डायलॉग है। उसकी वजह यह है, ये मैं आपको बताऊं, चूंकि मेरा ताल्लुक मदरसा के साथ भी है, उलमा के साथ भी है, लेकिन 36 साल मेरा यूनिवर्सिटियों के साथ भी ताल्लुक रहा है। तो जो आपकी शिकायतें मदरसा से हैं उससे ज़्यादा शिकायतें अगर आप मुताला करें तो यूनिवर्सिटी से मुमकिन है। और जिस क्रिटिकल थिंकिंग की एब्सेंस की बात आप मदरसे में कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर एब्सेंस से भी आगे अगर कोई लफ्ज़ है तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर है। और जिस एक जुमूद की बात आप मदरसे में कर रहे हैं उससे ज़्यादा जुमूद आपकी यूनिवर्सिटियों में है। अगर यूनिवर्सिटी मदरसों के अंदर आपके पास कोई नामी गिरामी नाकेदाना सोच का आलिम इस वक्त बहुत कम है, तो यूनिवर्सिटियों में इससे भी बहुत कम है। आप सर्वे कर लें जी
कराची से लेकर और आप डेर इस्माइल ख़ान और डेरा गाजी ख़ान और रहीम यार ख़ान तक जाएं, आपको फिंगर टिप्स पे कुछ लोग शायद मिल जाएं, बाकी तमाम यूनिवर्सिटियां जो हैं उसके अंदर कोई बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके साथ बैठ के आपकी इल्मी प्यास बुझ सके, या आप ये कह सकें कि इस प्रोफेसर या इस टीचर के साथ महफिल के बाद अब मैं उठ रहा हूँ तो आई फील माई सेल्फ वाइजर देन बिफोर, इस किस्म की बात आपको सुनने को नहीं मिली। तो बहुत ज़बरदस्त काम है, और मैं आपके साथ शेयर करूँ कि जो अब नई सूरत हाल अनफोल्डिंग, नई सूरत हाल बनने जा रही है, वो अब ज़ाहरी तौर पे तो कोई खुशगुन सूरत हाल नहीं है। यानी आपके मगरबी सरहद पे इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही है, वो डेवलपमेंट जो है वो हमारी दस्तरस से बाहर है, पूरी दुनिया की दस्तरस से बाहर है, लेकिन उसके जो असरात होंगे यकीनन सियासी असरात होंगे, यकीनन उसके मुआशी असरात होंगे, यकीनन उनके सिफारती असरात होंगे हमारे मुल्क के ऊपर भी, बाकी जो रीजन है उसके ऊपर भी। हमें रीअलाइनमेंट करनी पड़ेगी हुकूमती सतह पे भी, रियासती सतह पे भी, लेकिन मुआशरती अवामी सतह पे भी। और जो बहुत बड़ा चैलेंज आएगा उसकी वजह से, वो चैलेंज होगा कि जिस डिस्कोर्सेस की हमने इब्तिदा की है,